हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट क्रू में जितेंद्र, और आज हम बात करने वाले अलॉय व्हील के बारे में। अलॉय व्हील मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो अलॉय व्हील आप देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, मैंने नहीं लगाए, मेरे ब्रदर ने लगाए हुए हैं। क्योंकि अभी मैं इंटरसेप्टर राइड कर रहा हूँ, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको मालूम है, जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि मैं इंटरसेप्टर बाय कर रहा हूँ, अभी गनमेटल ग्रे नहीं राइड कर रहा हूँ। एंड ये अलॉय व्हील्स कैसे हैं, क्या है, वो हम बाद में बात करते हैं। मगर ये लीगल है कि नहीं, वो लोगों के बहुत क्वेश्चन होते हैं, अलॉय व्हील लगाना लीगल है कि नहीं, ट्यूबलेस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये दीज आर द थिंग्स, इसको लेके बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जो नया रूल है मॉडिफिकेशन का, उसके हिसाब से आपकी गाड़ी का फ्रेम मॉडिफिकेशन या फिर इंजन मॉडिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन मॉडिफिकेशन या एमिशन नॉर्म, मतलब जो चार नेशनल लगाया हुआ है, फ्यूल एमिशन नॉर्म है, एग्जॉस्ट है, या पोल्यूशन का नॉर्म है, तो दीज आर थिंग्स वो मॉडिफाई नहीं होने चाहिए। ठीक है, अलॉय व्हील आप लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी कंपनीज में भी आप देख रहे होंगे अलॉय व्हील से लगाते हैं। इवन आरईबी, रॉयल एनफील्ड भी अलॉय व्हील बेचती है, सेल करती है, चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन जो एकदम हाईलाइट होता है, ठीक है, या फिर देखते ही नज़रों में आता है, उसको पुलिस वाले रोक सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले रोक सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हैवी मॉडिफिकेशन भी अलाउड नहीं है। ठीक है, आप कंफर्ट से रिलेटेड मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलॉय व्हील सिंपल सोबर लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल स्पोक्स लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं अभी गाड़ी थोड़ी भरी भरी लग रही है, अच्छी लग रही है, मुझे भी इवन अच्छा लग रहा है, बट पर्सनली स्पोक व्हील्स मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके इम्पैक्ट जो होता है, उसके जो जो बैलेंस उस पर मिलता है, वो अलॉय व्हील पर कभी नहीं मिल सकता। तो और जो जो बोलते हैं ना, जो फ्लेक्सिबिलिटी स्पोक्स में होती है, स्पोक व्हील्स में होती है, वो अलॉय व्हील्स में नहीं होती है। वो आप खुद टेस्ट कर सकते हैं, उसकी जो लचीलापन होता है, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो आपको अलॉय व्हील में नहीं मिलेगी। बट फिर भी अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, मल्टी स्पोक्स पे जाइए, परफेक्ट रहेगा आपके लिए। मल्टी स्पोक्स पे जो इम्पैक्ट होता है बेयरिंग के ऊपर, वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है मल्टीपल पे, तो इसकी वजह से आप वो बाय करिए। सिंपल जो मर्सिडीज टाइप के आते हैं, या एस टाइप के आते हैं, या फिर फाइव स्पोक्स या नाइन स्पोक्स जो भी हैं, वो स्पोक्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए। थोड़ा लोकल ब्रांड्स देखिए, थोड़ा देख दाग के जो अलॉय व्हील लीजिए, क्योंकि अलॉय व्हील बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं। जब आप 80-90 या 100 की स्पीड भी चला रहे होते हैं, या हाईवे पर जा रहे होते हैं, ठीक है, अगर आपको छोटा सा झटका आता है तो वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देता है। तो अगर व्हील ने ठीक से इम्पैक्ट ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं ले पाया तो उसके वजह से हो सकता है आपको इशू। दीज आर द थिंग्स, जब हम अलॉय व्हील बाय कर रहे हो तो लेना चाहिए, तब ध्यान में रखना चाहिए। एंड अगर हो सके तो रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल बाय करो, सिंपल है, सोबर है, अलॉय व्हील का आपका इच्छा पूरी हो जाएगी, नहीं तो स्पोक व्हील्स तो बेस्ट है ही। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं ब्रांड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वो ब्रांड को देखें या बाय करें। सिर्फ एक चीज़ है, मल्टी स्पोक्स बाय करिए, नहीं तो रॉयल एनफील्ड का लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल ही रहने दीजिए अलॉय व्हील को। ये मेरा अलॉय व्हील के टॉपिक के ऊपर मेरा सजेशन था आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड आपका कोई सुझाव है इस टॉपिक से रिलेटेड तो जरूर बताइए। एंड यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव लोग आपके लिए आते रहेंगे। बाय।